जिला रामबन अपनी ड्रग्स के खिलाफ लड़ाई को आगे एक और बड़ा कदम ले जाते हुए 30 सितंबर 2023 को करीबन 8:30 बजे के करीब, क्योंकि हमें कुछ स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन मिली थी ड्रग्स के गाड़ी की, जिसके बाद हमने एक स्पेशल नाका जो है वो इस्टेब्लिश किया था एट रेलवे चौक बानिहाल। उसके बाद वहां पे हमें एक इनोवा गाड़ी को हमने इंटरसेप्ट किया, कश्मीर से जम्मू की तरफ जा रही थी। और जब इसको इंटरसेप्ट किया और इसकी सर्च करी तो इसमें 30 किलो के करीब कोकेन जैसा दिखने वाला सब्सटेंस पाया गया, जिसकी इंटरनेशनल ब्लैक मार्केट में कम से कम 300 करोड़ की वैल्यू आंकी जा रही है। और 2 लोगों को इसके अंदर हमने अरेस्ट किया है। अभी के अनुमान से ये लगता है कि ये केस में क्रॉस बॉर्डर रैमिफिकेशंस हैं और एक टेरर एंगल भी है, जिसको हमारी टीम्स जो हैं वो निकाल दी गई हैं, वो आगे की इन्वेस्टिगेशन जारी रख रही हैं।